नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। महिला क्रिकेट तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। पहुंचे फर्स्ट राउंड, आईसीसी वुमन चैंपियनशिप के तहत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेमवेस पार्क में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। अंतिम वनडे में भारत द्वारा दिए गए 241 रनों के लक्ष्य को मेजबान टीम ने 49.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मिग्नोन डुप्रीज ने सर्वाधिक नाबाद 90 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम अच्छी शुरुआत से महरूम रही और सलामी बल्लेबाज लीजेली ली को 10 रन के निजी स्कोर पर तेज गेंदबाज शिखा पांडे ने पवेलियन वापस भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका ने अपना दूसरा विकेट एंड्रिय स्टेन के रूप में 51 के कुल योग पर खोया। उन्हें पूनम यादव ने 30 के निजी स्कोर पर आउट किया। सलामी बल्लेबाज लोरा वोलवार्ड 59 और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई दुप्रीज के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 118 रनों की साझेदारी ने मेजबान टीम को मजबूती प्रदान की। एकता बिश्प ने वोलवार्ड को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की कप्तान डेन वान निकर्क और प्रीज ने पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाज मेजबान टीम को जीत दिलाकर ही नाबाद पवेलियन लौटी। प्रीज ने 111 गेंदों में 7 चौकों की मदद से नाबाद 90 रन बनाए, जबकि निकर्क ने 30 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 41 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को मैच की तीसरी गेंद पर ही बड़ा झटका लगा। सीरीज में अब तक धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का बल्ला इस मैच में अपना जलवा नहीं बिखेर सका और वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट ली। भारत ने दूसरा विकेट भी जल्दी खो दिया। कप्तान मिताली राज को 4 के निजी स्कोर पर आया बोंगा खाका ने पवेलियन की राह दिखाई। दीप्ति शर्मा और वेदा कृष्णामूर्ति के बीच चौथे विकेट 83 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट खाने के कारण भारतीय टीम बड़े स्कोर नहीं पहुंच पाई। दीप्ति शर्मा ने 112 गेंदों पर 8 चौकों की बदौलत 79 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए शबनम इस्माइल ने 9 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।